एमपी के कृषि मंत्री कमल पटेल ने उज्जैन में कृषि एक्सपो इंडिया के तहत कृषि मेले का शुभारंभ किया। कृषि मंत्री कमल पटेल ने किसानों से आधुनिक तकनीक से आधुनिक खेती करने का आह्वान किया। कृषि उपज मंडी चिमनगंज उज्जैन में शुरू हुए एक्सपो में कृषि मंत्री कमल पटेल ने बताया कि किसानों को प्राकृतिक एवं जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित करने, फसलों में विदेशी रासायनिक उर्वरकों के बजाय देशी पद्धति और देशी उर्वरकों के उपयोग करने एवं कृषि के क्षेत्र में अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से खेती किस प्रकार की जाए, ये किसानों को बताया जा रहा है। साथ ही वैज्ञानिकों द्वारा तय किए जा रहे मापदंडों को लेकर इस कृषि एक्सपो में किसानों को जानकारी दी जा रही है। दूसरा नई नई ड्रोन आ गया है, ड्रोन से सिंचाई हो सकती है, दवाई सकती है, बाद में नई नई मशीनरी आई है, वो किसान देखे ताकि उसकी खेती करने में उसको सुविधा हो और उत्पादन बढ़े, अच्छी अच्छी बीज कंपनियाँ ऐसा है वो सब सीखें। हमारे कृषि वैज्ञानिक भी उनको प्रशिक्षण है, उसके लिए 3 दिन का मेला है, उसके लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।